तालीम के लिए उम्र की कोई हद नहीं होनी चाहिए, इस हवाले से सिंध हुकूमत कानून साजी करने जा रही है। वजीर तालीम सिंध सईद गनी की सदारत में सिंध टीचर्स डेवलपमेंट अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हुआ, जिसमें टीचिंग कोर्स के लिए उम्र की हद में इजाफे की तजवीज़ सामने आई। पहले बीएड के लिए उम्र की हद 28 साल मुकर्रर थी, इससे ज़्यादा उम्र के लोग बीएड में दाखिला नहीं ले सकते थे। इजलास में उम्र की हद को ख़त्म करने का फैसला किया गया। सूबाई वजीर तालीम सईद गनी ने कहा कि सिर्फ बीएड नहीं बल्कि किसी भी किस्म की तालीम के लिए उम्र की पाबंदी नहीं होनी चाहिए, इस हवाले से जल्द कानून साजी भी की जाएगी। एक अहम फैसला है, ऐसे तालिबिल जो तालीम के शोबे में अपना करियर बनाना चाहते हैं और टीचर बनना चाहते हैं, पाकिस्तान में वैसे ही असातिज़ा के मेयार पर बात होती है, अब उम्र की हद उनके लिए रुकावट नहीं बनेगी। सामाजिक कारकुन और बोर्ड के मेंबर शहजाद रॉय ने इस फैसले को सराहते हुए कहा कि इस फैसले से नौजवानों की टीचिंग के शोबे में आने की हौसला अफजाई होगी, जो कि एक अच्छा फैसला है। जाहिर है अगर असातिज़ा का मेयार बेहतर होगा तो ही पाकिस्तान में जो टीचिंग का निज़ाम है, जो पाकिस्तान में तालीम का निज़ाम है, वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकता है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर सिलेबस बदलने से ही नहीं बल्कि असातिज़ा का मेयार भी बेहतर करने से।